कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम न रोजगार मांग रहे हैं न नौकरी मांग रहे हैं। जाने मेरा किस्मत, हम रोजगार करेंगे क्या करेंगे, मरेंगे डूबेंगे कुछ भी करें, लेकिन यार एग्जाम दिए तो रिजल्ट दो ना। हर कोई ये सुन करके दंग रह जाता है कि पूरे भारत का ये पहला ऐसा मसला है, मैटर है, जहाँ रिजल्ट दे करके फेल कर दिया गया। सब आश्वासन, पूरा बिहार जानता है कि अल्पसंख्यक समाज बोरा भर करके आरजेडी को वोट करता है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब घर वाले भी अलाव नहीं करते हैं कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी, अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं आप लोगों को समस्या को हल करने, उसी का जवाब हम दे रहे हैं कि अब ना दिलों में ठिकाना तेरा, सर फिरे लोग कहाँ प्यार क्या करते हैं, कौन कहता है अभी बाकी है जमाना तेरा। मुख्यमंत्री जी क्या सोच करके आप कर रहे हैं? नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में, हमारे साथ जो पीछे इन अभ्यर्थियों को देख रहे हैं वो उर्दू TAT बंगला के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार 8 साल से रिजल्ट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 12,000 अभ्यर्थियों को पास करके फेल कर दिया गया है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे ये लोग क्या रणनीति बना रहे। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा शुक्रिया। इस आवाज़ को उठाने के लिए आपको ये जान करके बहुत हैरत होगी कि सबसे पहले बिहार सरकार, बिहार बोर्ड के द्वारा उर्दू बंगला TET उम्मीदवारों को रिजल्ट दे दिया जाता है और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया जाता है। हर कोई ये सुन करके दंग रह जाता है कि पूरे भारत का ये पहला ऐसा मसला है, मैटर है, जहाँ रिजल्ट दे करके फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी, अब नए एहसास दिलों में ठिकाना तेरा, अब किताबों में कहाँ मिलता है फसाना तेरा। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं आप लोगों को समस्या को हल करने, उसी का जवाब हम दे रहे हैं कि अब ना दिलों में ठिकाना तेरा, सर फिरे लोग कहाँ प्यार क्या करते हैं, कौन कहता है अभी बाकी है जमाना तेरा। मुख्यमंत्री जी क्या सोच करके आप कर रहे हैं? आपने जिस तरीके से पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज को मजाक बना करके आपने रखा है, भारत का शिक्षा आपसे सवाल पूछेगा, भारत का शहर, भारत का गांव, भारत का एक एक व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने पास करके फेल कैसे कर दिया, ये सवाल हर कोई पूछेगा। यार इसी बिहार में 50% पे STET का एग्जाम लिया जाता है और इसी बिहार में उर्दू TET का एग्जाम 60% पे लिया जाता है। बताइए अब स्कूल में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, तालीम में भेदभाव, क्या बोलेंगे आप? विधानसभा पिकनिक का घर बन गया। विधानसभा, मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कम से कम दर्जनों बार विधानसभा में आवाज़ उठी, हंगामा हुआ ऑन रिकॉर्ड, क्या मिला सिवाय आश्वासन के? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दर्जनों बार आश्वासन दिए। 1 महीना पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मुलाकातों बातचीत हुई, 243 विधायकों में से कौन ऐसा विधायक, कौन ऐसा MLA MP मंत्री है जिसके पास हम नहीं गए हों? सब आश्वासन, पूरा बिहार जानता है कि अल्पसंख्यक समाज बोरा भर करके RJD को वोट करता है। तो आप लोग क्यों जिताते हैं? हाँ। नहीं जीता है तो आप लोग बोलते हैं कि इस बार इलेक्शन में उन लोगों को सबक सिखा देंगे। वो विपक्ष में, सुन लीजिए, विपक्ष में थे, सब आप लोग अच्छा जानते हैं। अब भारत बिहार में, एक मिनट में, अभी पार्टी में है ना, हाँ वही करें, वही। ये पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि या तो अल्पसंख्यक समाज अगर वोट करता है तो RJD को, वोट करता है तो JDU को, वोट करता है तो कांग्रेस को, और ये तीनों सरकार में इस वक्त है। हम लोग बदनाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातवाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए हम सारा कुछ कर दिए हैं, लेकिन क्या उन्होंने किया यार, एक रिजल्ट दे करके छीन लिया। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोगों के साथ, ये मानते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अरे यार इससे, अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री और राजनीतिक सारी पार्टियां, सारे जात के जितने भी बिहार में जाते हैं ना, सबके 4-4, 5-5 को दलाल बैठाया है। कोई मुसलमान का दलाल है, कोई अदर और भी कास्ट का दलाल बैठा। कुछ ही दिन पहले तो नियुक्ति पत्र बांटे थे तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी। हाँ, तो क्या करना चाहते हैं? नौकरी को लेकर, हाँ बोलते हैं कि नौकरी मिल रहा है। काम उनका 10 साल से 5 साल से लटका हुआ था, और जो सबसे बड़ा काम, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम न रोजगार मांग रहे हैं न नौकरी मांग रहे हैं। जाने मेरा किस्मत, हम रोजगार करेंगे क्या करेंगे, मरेंगे डूबेंगे कुछ भी करें, लेकिन यार एग्जाम दिए तो रिजल्ट दो ना। सही बात,
दोनों रिजल्ट। अच्छा एक बात और, ये कारगिल चौक गवाह है, दर्जनों बार, सुन लो बड़े भाई, दर्जनों बार लाठी चार्ज हुई है विद्यार्थियों के ऊपर में। और आप लाठी खाए कि नहीं, आप लाठी खाए? पूरी पूरी दुनिया देखी है, पूरा बिहार देखा है, आज पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष मौजूद है। सुन लीजिए, आज अगर मेरा देश अगर टीका है ना, तो शिक्षा के बदौलत टीका है, नफरत के बदौलत नहीं टीका है, ये जान लो आप। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल एज, बिल्कुल एज खत्म होने के कगार पे है। सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की दोहरी नीति है, सरकार की दोहरी नीति है कि जो लैंग्वेज नहीं है अरबी फारसी उसके बारे में कहता है कि हम इसके टीटी लेंगे। इसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पूरे परिवार छोड़कर यहां जी, बिल्कुल हम लोग 8 सालों से इसके लिए परेशान हो रहे हैं। हम लोगों की कहीं आवाज सुनी नहीं जा रही, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। इतना एज हो गया है यहां पे, आप गांधी मैदान में बताइए। मेरा 44 साल एज हो गया है, मेरा एज बहुत ज्यादा हो गया है, परेशान है। महिलाएं भी कुछ है हमारे साथ, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो पढ़ रही है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोग। जी सर, जी मैम, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ हो रहा है, तो हम लोग तो पढ़ करके कंपटीशन में भी बैठे, रिजल्ट हम एग्जाम भी दिए और हम लोगों को पास करके फेल कर दिया गया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर मतलब रैली धरना हमेशा करे, और 8 साल से हम लोग कंप्लीट, आपने कारगिल चौक की बात कही, कारगिल चौक पर हम लोगों ने 1 घंटा तक जाम करके धरना बैठ रही हो, क्यों जा रही हो, फिर भी हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग जब इतना मेहनत करे हैं तो आखिरी टाइम में हम लोग मेहनत कहाँ से नहीं। हम लोग बेगूसराय से हैं मैम, और ये 12,000 स्टूडेंट को 8 सालों से इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। ये 12,000 को तबाह बर्बाद नहीं किए हैं, पूरे बिहार के मुसलमान को गुमराह किया है। मुसलमान का बोरा भर भर के वोट लेने वाला आज मुसलमान का जानी दुश्मन बना हुआ है। तो सोच ले 24 और 25 में ये मुसलमान किसके तरफ होगा, ये वो वक्त ही बताएगा। अच्छा क्या कहेंगी मैम, कहाँ से आई हैं? हम गया से आए हैं, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब घर वाले भी अलाव नहीं करते हैं कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी, अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। लेकिन हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि सर हम लोग को जो रिजल्ट अटका हुआ है वो रिजल्ट दे के पास कर दिया जाए। तो देख रहे हैं ना आप, ये थे उर्दू TET के छात्र जिन लोगों से हम बात किए। इन महिलाओं का दर्द सुनिएगा तो आपका भी आंख में आंसू आ जाएगा, लेकिन 8 साल से ये लोग रिजल्ट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 12,000 छात्रों को पास करके फेल कर दिया गया था। इसके पहले भी ये लोग कई नियम अपनाए हैं लेकिन मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है, और लाठीचार्ज जिन लोगों पर किया गया है फिर एक बार ये लोग उग्र होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी इन लोगों को रिजल्ट दीजिए, नहीं तो आगे ये लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग भी इनको जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, इनसे तो बिहार संभल नहीं रहा है। और नीतीश कुमार जी जो संविधान यात्रा कर रहे हैं, असल बात तो ये है इनके पास कोई भी समस्या का हल नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग रोड पर भटक रहे हैं और ये अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।